अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे और ठंडे जा रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं साइंस पे, जो हमने चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं और हमने इसके अंदर पढ़ा था डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़ा था नर्व्स। नर्व्स सेल को आप न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो सा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह ही हमें नर्व सेल बनाने के लिए नर्व सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वो ये जो सा होता है आपका आता है न्यूरॉन में। ठीक है, उसके बाद आता है और ये कौन सा है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है इधर से उधर, और ये बहुत ही तेज़ी के साथ मैसेज रिसीव करता है। हमारी प्रॉपर बॉडी की हैंडलिंग जो सा है, हमने क्या करना है क्या नहीं, यही मैसेज भेजता है तो हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो सा होता है, सबको पता है कि इसके अंदर रेड पिगमेंट्स होती हैं और जिसको इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो सा है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है, ये ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन, वाटर और फूड हर पूरी बॉडी में। ये सेलुलर जो सा है शेप के होते हैं और बिल्कुल जो सा है ये आपका ऑक्सीजन क्विकली जो सा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका स्पर्म सेल। ये सिर्फ मेल में पाए जाते हैं और इसकी एक बड़ी सी टेल भी होती है। ठीक है, ये जो सा है यहाँ पर टेल आ गई। अब आ जाते हैं पहले से डी सेल में। ये जो सा है प्लांट के लीव्स में पाए जाते हैं ऊपर के हिस्से में, और इसकी वजह से जो सा है क्लोरोफिल काम करता है और फोटोसिंथेसिस का जो सा काम है वो ईजिली प्रोसेस के साथ कम्प्लीट हो जाता है, ईजी प्रोसेसिंग हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सा इसका काम भी पहले से सेल का काम भी जो सा होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है, जैसे क्लोरोफिल की साथ ये हेल्प करवाता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल जो सा होता है ये नीचे के पोर्शन में होता है, अंडर जैसे ये ऊपर का हिस्सा आ गया लीफ का और ये आ गया नीचे का हिस्सा। ठीक है, इस तरह से ये लीफ का हिस्सा होता है और ये जो सा है उसको कवर करके उसको बहुत अच्छे से स्टोमेटा के साथ पोर्स को ओपन करने में मदद करता है और ये गार्ड करता है जो सा है लीव्स की शेप को, और ये हेल्पफुल होता है प्रोटेक्ट करने में लीव्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका रूट हेयर सेल। ठीक है, यहाँ पर आज हमारा टॉपिक होगा रूट हेयर सेल, और इधर आपने लिखना होगा 20 अप्रैल 2021। ठीक है, आप जो सा आपका रूट हेयर सेल आ जाते हैं, ये भी जो सा है पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, और ये जो सा है इसकी रूट्स को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। ठीक है, नैरो प्रोट्रोशन, ठीक है, इसको कहते हैं फैलाओ। प्रोट्रोशन का मतलब है फैलाना रूट्स को, तो ये रूट्स के जाल की बात हो रही है कि रूट्स को जो सा ये फैलाता है। ये आ गया आपका रूट और ये आ गया रूट्स के हेयर। ठीक है, ये रूट जो जैसे कि सब हेयर होते हैं ना, सब रूट्स होते हैं, ये उस तरह से रूट हेयर आ गई और ये जो सा है रूट्स को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। आपने पुराने आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा है कि रूट्स जो सा है वो फैल जाते हैं, जैसे कि एक कैक्टस है उसके अंदर जो आपका कैक्टस है या दूसरे प्लांट्स है डेजर्ट के, उनके 30 मीटर डाउन बीनीथ सॉइल जो सा है गए हुए होते हैं इतनी दूर तक कि वो जो सा है पानी की तलाश में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है आपके रूट हेयर। ठीक है, ये आपके ये हो जाता है। आज आपका जो है डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट उनके वर्क जो है कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट करके नया टॉपिक, दैट इज फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्रॉम सेल टू टिश्यूज। सेल टू टिश्यूज हमने देखे, सबसे पहले जो से होते हैं हमारे अंदर सेल्स होते हैं, उसके बाद आता है टिश्यू, उसके बाद आता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम आ जाते हैं सेल टू टिश्यूज। अब जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, सॉरी जितने भी हमारे सेल हैं, उनके एक मसल होता है, उसके अलग से टिश्यूज़ होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है कवरिंग के साथ। ठीक है, जैसे अगर नर्व सेल है या मसल सेल है तो वो होगा मसल टिश्यू। तो ये जो सा होता है उनके प्रोटेक्ट करने में काम आता है, जो उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको प्रोटेक्टिव लेयर जिस तरह से होती है उनको स्ट्रॉन्ग करके उनके जो से डिफरेंट मूवमेंट हैं उनको जो सा है वो ऑर्गेनाइज किस्म कह सकते हैं कि करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको फिर बता दूं कि मसल्स जो आपके आते हैं मसल सेल्स हैं या जो सा आपके नर्व सेल हैं, वो जो सा है आपके हो जाते हैं मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू में। ठीक है, ये इस तरह से होता है। जैसे आपका जो सा ब्लड सेल है वो आपके आ जाते हैं ब्लड टिश्यू में, तो ये इस तरह से बॉडी में जो सा है लिविंग बीइंग की एनिमल और ह्यूमन बीइंग की बॉडी की मैं ये बात कर रही हूँ। ठीक है, ये
तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और ये बिल्कुल कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्ट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे ये आपका आ गया कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है जॉइंट्स को जॉइन करने में मदद करता है। और ये जो है आप ये देखें कि यहाँ पर इस जगह पे ये कनेक्टिव टिश्यू जो से हैं ये जॉइंट्स को क्लोज करने में, उनको बाइंड अप करने में हेल्प आउट करता है और इनको डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया एपिथर्मल टिश्यू, ये जो सा होता है एनिमल्स की चीक्स पे और उनकी जो स्किन है उसके नीचे की तरफ होता है ताकि उनकी अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके, उनको कोई भी जैसे कहते हैं ना हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या कोई भी डिजीज़ जो से स्किन पर लग जाती है वो ईजिली नहीं लग सकती एपिथर्मल टिश्यू की वजह से, ठीक है। ये आ गया आपका एपिथर्मल टिश्यू। अब हम आ जाते हैं जो उनसे हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल जो सा होता है आपको पता है कि एक होता है उसकी कवरिंग जो सी होती है सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल के साथ ही जो सा होता है आपका आता है एपिडर्मल सेल, ठीक है। एपिडर्मल सेल होता है, जो आपका एपिडर्मल सेल होता है उसको आप कहते हैं डर्मल टिश्यू। ये जो सा होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे सेल की वॉल के बाहर की बिल्कुल लेयर होती है उसके बाद आता है। और ये जो सा है प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई आप चलते चलते जैसे उसको ठोकर लग जाती है या आप कहते हैं ना कि कोई खराश वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से एनिमल्स और जो से होते हैं वो जैसे कोई इंसेक्ट होता है वो प्लांट्स को भी तंग कर सकता है, उसको खराश वगैरह या उसका जो सा लीव है उसको तोड़ सकता है। तो ये उस तरह की इंजरी से उसको बचाता है प्लांट के लीव को। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा उसको इंजरीज और खुश्क होने से बचाता है, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू जो सा होता है, एपिडर्मल जो सेल है वो होता है आपका डर्मल टिश्यू जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और खुश्क होने से, ठीक है। अब आ जाते हैं वैस्कुलर टिश्यू पे। ये जो सा होता है जाइलम से बनता है और ये इसके अंदर आपके वाटर, ऑक्सीजन और मिनरल सॉल्ट होते हैं और ये भी काम करता है कि पूरी बॉडी में जो है मिनरल्स की कमी नहीं होने देता प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जो सा ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू में जो सा होता है ये फिजिकली प्लांट्स को सपोर्ट करता है, उनके खुराक का पूरा ध्यान रखता है कि कोई भी हल्की सी भी खुराक जो सा है कम ना हो उसके अंदर। आपको पता है कि कैक्टस जो होता है वो 2 ईयर्स तक पानी खाने को स्टोर रख सकता है डेजर्ट में अपने अंदर, ताकि जो सा है बिकॉज आपको पता है कि डेजर्ट में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है तो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता प्रॉपरली, ठीक है। तो वो क्या करता है कि 2 ईयर्स तक अपने अंदर महफूज रखता है, इसलिए जो सा है ये ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं नॉर्मली हर प्लांट के अंदर होते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि फूड जो है उसकी स्टोरेज कम ना हो किसी भी हालत में फूड्स के अंदर, ठीक है। उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनको भी खड़ा रहने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो सा है वो भी फूड अपने अंदर स्टोर रखते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं जैसे तो वो हमारे अंदर स्टोर रहती है ना, हम हर काम करने से पहले तो नहीं एक एक नवाला लेते, तो वो स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह से ही जो सा है ये ग्राउंड टिश्यू जो है ये मेक श्योर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहे फूड प्रॉपर एक कंडीशन में एक लेवल के हद तक, ठीक है। फ्रॉम यहाँ तक आज हमारा हो गया है, ये आपने अच्छा से रिवाइज करना है। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन्स, ठीक है। टिश्यू से ऑर्गन हमने सेल्स पढ़ लिए हैं, अब हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑफ पढ़ लिया है हमने, सेल्स टू टिश्यूज़ पे चले गए हैं वो भी हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। आई होप कि आप लोगों ने डायग्राम भी बना ली होगी, आपने ये लिखना है डायग्राम्स, ठीक है। सॉरी डायग्राम लिखने का कह रही हूँ, सॉरी, इसको अच्छे से पढ़ना है फ्रॉम सेल टू टिश्यूज़। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी और आपने डायग्राम भी बना ली होगी जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, बट मुझे कोई पिक्चर आप लोगों ने सेंड नहीं की Grade 7, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्स करते रहें ताकि मुझे तसल्ली रहे कि आप लोगों को समझ आ रही है और आप मेरे साथ ही हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।